गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम अगेन इन घर से पढ़ाओ अभियान में हम करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी थ्रू न्यूमोनिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि व्हाट इज न्यूमोनिक्स। हम वर्ड से वर्ड को कनेक्ट करके, लिंक करके उनके मीनिंग को याद रखते हैं और जो कि लंबे समय तक हमें याद रहता है, बहुत यूजफुल होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। अब फर्स्ट वाला वर्ड देखिए, अबेट। अबेट कैसे याद करेंगे? आ बेटा, बिजनेस में मेरी हेल्प कर ताकि मेरा बर्डन कम हो, यानी रिड्यूस हो। अबेट का मीनिंग क्या हुआ? रिड्यूस, कम होना। नेक्स्ट पे आते हैं अब्रिज। अब्रिज को कैसे याद करेंगे? ब्रिज, यानी ब्रिज बेटा हम क्यों बनाते हैं? डिस्टेंस को लेस करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं। ओके, यानी अब्रिज का मीनिंग हुआ शॉर्टन। अब नेक्स्ट पे आते हैं मिरिएट। मिरिएट को कैसे याद रखेंगे? इसमें करेंगे रिएट। रिएट को याद रखेंगे, रिएट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो मिरिएट का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं प्लेथोरा, यानी कैसे याद करेंगे बेटा निमोनिक्स के थ्रू? थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा याद नहीं करेंगे बल्कि थोड़े थोड़े के थ्रू हम याद करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा, यानी इसका मीनिंग हुआ अ लार्ज अमाउंट। प्लेथोरा मीन्स अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट पे आते हैं अम्प्टी। अम्प्टी यानी इसमें हम किस वर्ड को याद रखेंगे? टीन, यानी जैसे टीन होता है घर में और जैसे ऑयल से भरा हुआ होता है या किसी भी चीज़ से भरा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अ लॉट ऑफ, यानी ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट पे आते हैं हम सफिट। सफिट का मतलब क्या, कैसे याद करेंगे न्यूमोनिक्स के थ्रू? यानी सर से लेकर फीट तक, इसका भी मतलब क्या हुआ? अ लार्ज अमाउंट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं कॉपियस। कॉपियस को कैसे याद रखेंगे बेटा? कॉपी करते हैं ना, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी से याद रखेंगे। यानी जब भी हम फोटोकॉपी करते हैं तो फोटोकॉपी बढ़ती हैं या घटती हैं? बताइए बताइए। यह यानी इसमें भी क्या है? ज़्यादा नंबर। ओके, अब नेक्स्ट भी आते हैं बेटा असीडवस। ओके, असीडवस में हम क्या याद रखेंगे? एस, और एस मीन्स क्या होता है? डोंकी, और डोंकी किस लिए जाना जाता है? हार्ड वर्किंग। तो असीडवस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हार्ड वर्किंग। अब नेक्स्ट पे आते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस में हम किसको याद रखेंगे? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है? यानी ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है, ज़्यादा काम किए करवाया जाता है, तो इंडस्ट्रीज का मतलब भी क्या है? हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट देखिए बेटा डिलीजेंट, यानी क्या कैसे याद करेंगे न्यूमोनिक्स के थ्रू? दिल्ली और जन। ओके, दिल्ली में रहने वाले जो पीपल होते हैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ओके, वैसे तो हर जगह वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इसको मैंने कनेक्ट करने के लिए ऐसा बोला है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा हम टॉयलसम। टॉयलसम कैसे याद रखेंगे? ऑयल को बाहर निकाल लेंगे, यानी ऑफिस में आज मेरे से इतना काम करवाया, मेरा तो ऑयल ही निकाल लिया। इट मीन्स भी क्या है? हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ओके, थैंक यू।